गूंगा थापा तैयार रहेंगे, गूंगा थापा तैयार रहेंगे। रोहित परवान दिल्ली। खुश करो जवानों, एक दूसरी पार्टी पानी पा रहा तो शर्म नहीं आती। एक कुंटल से ज्यादा के दोनों पहलवान है, एक एक कुंटल से ज्यादा के पहलवान है। जितेंद्र पहलवान एक कुंटल 18 किलो और इधर भीम पहलवान एक कुंटल लगभग 50 किलो से ज्यादा होगा। इसका ब्याह भी करवाना तो मैं, इसका ब्याह भी करवाना, शादी भी करवानी, शादी भी करानी। शादी अभी नहीं हुआ है, तभी तो इतना मोटा हो। अभी मेरी उम्र 22 साल हुआ है, अभी 25 साल में शादी करेगा। 25 साल में करेगा कि 25 साल के बाद? ये इतना कम उम्र में इस पहलवान के उम्र 27 साल बताया जा रहा हो गया है। किस चक्की के आटा ये खाता है पहलवान? बाबा बोल नहीं रहा आज की, उठ रहे एकदम कोई ना बाल वाले। अरे कुछ करो पहलवानो, नचा दो अंगुलियों पर कांच की बोतल, शराबी उसको कहते हैं, और पटक के सीने पर चढ़ के दिखा दो वसली, पहलवानी उसको कहते हैं। भाई गेर मत लगाओ जितेंद्र पहलवान, घूम जाओ बीच में, बीच में। अरे पहलवानों इतना जोर से उस पर ताकत लगा रहे हो, कहीं जांघिया हाथ में आ जाएगा तो काला नाग बाहर आ जाएगा। बीच में भाई 1.5 क्विंटल वजन है, जांघिया में उतना ताकत नहीं, 1.5 क्विंटल ज्यादा है। इतना ताकत लगा कि वो खींच रहा है, तो वो कपड़ा में कितना ताकत है, रस्सी तो है नहीं, सबको मालूम है उसके अंदर क्या रखा है। उसे दिखाओ पहलवान, जितेंद्र पहलवान भालू कस भरना चाहता है, मगर सोच रहा क्या हाथ में आएगा कि नहीं आएगा। अभी नेपाल में कुश्ती हुआ था, लगभग 15-20 साल से लगातार आ रहा हूँ, मगर इतना वजन के पहलवान पहली बार देखा हूँ नेपाल के धरती पर। ऐसे पहलवान तो WWF में चाइना में मिलेंगे। इतना वजन के हमारे नेपाल में 1.5 क्विंटल के पहलवान हमने नहीं देखा। सुबह पता चला कि 1.5 मुर्गा एक खा गया और 1 ट्रे अंडा था उसका, इसने नाश्ता किया। और इसके अगर शादी हुआ होता तो घर वाली रोटी बनाती तो कम से कम 100 रोटी तो ये खा जाता। जितेंद्र पहलवान सोचा था, हेलो अभी आप लोगों के सामने दोनों पहलवान अपने अपने बाजुओं के ताकत लगा रहे हैं। समय दिया गया 15 मिनट, 10 मिनट कुश्ती का समय बाकी है, 5 मिनट बीता। इन दोनों जवानों के जवानी से जवानी टकरा रहा है, और नौजवान बच्चे जो 5-10 साल के हैं वो सावधान रहेंगे, नीचे जाते समय छोड़ देंगे, नहीं अगर पत्थर भी होगा उसके ऊपर। भीम पहलवान काली पहलवान को बड़े ध्यान से
ये करामत जितेंद्र का, जितेंद्र का करामत कैसा हो रहा है, लगाइए कमाल है जितेंद्र जी, कमाल है जितेंद्र पहलवान। सोचा था जितेंद्र पहलवान जो है, जितेंद्र पहलवान सोचा था ये डालडा है जाके तुरंत अभी पलट देंगे, और उस पहलवान सोचा था ये तो अभी हल्का इसको तोड़ के चित कर देंगे, मगर अब दोनों सोच रहे हैं किस चक्कर में हम पड़ गए। अभी बोले हैं कि डेढ़ मुर्गा खा चुका है, डेढ़ मुर्गा एक ट्रे अंडा और 5 लीटर दूध एक बाल्टी में आया, आइए गिलासा में लोग दे रहे थे, कमेटी के लोग ये कहा गिलासा से नहीं बाल्टी लाओ, बाल्टी से ये कहीं बार लगाया, अब उठ गया ये कहीं बार। आप सुना होगा मिट्टी के ढेले पर जितेंद्र जी, खुश करो जवानों, जबरदस्ती भी गया। अरे ये शरीर ऐसे नहीं बना, पेड़ है कुंतल का, ये जितेंद्र पहलवान मालूम पड़ता छोटा हाथी पर बैठ रहा है, बीच में 10 मिनट बाकी, ये पहलवान के माता जी शादी करने के लिए कह रहे हैं, पिताजी कह रहे हैं नहीं अभी। बैठ गया, मालूम पड़ता सावर के जो भैंसा होते हैं उसी तरीके मालूम पड़ता जितेंद्र पहलवान भैंसा पर बैठा है। जितेंद्र पहलवान है, छोड़ने वाला नहीं है, कितने मीटर को बीच में ये है। ऐसा शरीर आज के युग में नौजवान बच्चों के बनाना बड़ा मुश्किल है, छोड़ के बीच में भी इन पहलवानों के नीचे जो भी ढेला पड़ेगा वो साफ फूट जाएगा। बहाना करने लगा, बहाना है क्या हुआ? अरे नहीं चाचा छोड़, ठीक है एकदम, बहुत अच्छा है। गाड़ी रिजर्व चल रही है कि है पेट्रोल? पानी लड़ता है, जल्दी से सही बात बोल रहा है, जोर लग रहा है कुश्ती का, ऐसे कुश्ती नहीं हो रहा, मदारी लो चाचा को भी लड़ाओ किसी का, आज पता चल रहा है देखो कहाँ टूट गया, इतना बारिश से टूटी गई। आगे सारा ढेला चकना चूर हो गया, सारा ढेला फूट गया। पहलवान दो मिनट दी जितेंद्र पहलवान गोरखपुर, दोनों पहलवान अपने अपने गांव के चक्कर में लगे, देखे कुश्ती में क्या होता है। जितेंद्र पहलवान पतलग के उठाना चाहा, अभी पहलवान अंगद के तरफ पांव रख के छड़ा लिया, ये दोनों पहलवानों के नाम पर एक बार जोरदार ताली सब। जितेंद्र पहलवान ठेला नहीं, अरे खींच के दे, खींच के ना, छोड़ो ना, छोड़ दो पहलवान, छोड़ के बीच में पहलवान दो मिनट दो पहलवान दो बीच में अरे बीच में वही काम बीच में
टाइम आउट कीजिए बाबा टाइम, आधा मिनट आधा मिनट। जो ये कुश्ती बराबर जाएगी गधा हमारा होगा जो हमारी कुश्ती, सही बात है। ऐसे मत ये कुश्ती 15 में 5 मिनट और करा दो, कोई पॉइंट पर नहीं होगी, कोई से नहीं होगी, हार पर करना है। 15 मिनट होगा गधा हमारा होगा, ठीक है नहीं गल। क्या भाई इतना पैसा लगा कमेटी फ्री में लाया पलमा। और देखे हमारे वार्ड अध्यक्ष साहब नंबर 1 के वार्ड अध्यक्ष साहब के कहना है कि अब ये कुश्ती जो शुरू हो गया है चैत रामनवमी के शुभ अवसर पर चैती मेला भी लगेगा रामनवमी के, और ये जो कुश्ती हो रही है ऐसा ऐसा पहलवान बुलाएंगे जितेंद्र के मुंह तोड़ जवाब देने वाला पहलवान हमारे भूपेंद्र यादव जी के नाम पर एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। कुछ करो जवान, समय समाप्त, समय समाप्त, समय समाप्त, समय समाप्त, समय 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 समाप्त, समय समाप्त, समय पर सब पहले अधिक से पहलवान 3 मिनट। हाँ देखे हमारे हाँ 3 मिनट कुश्ती होगी, जो ज्यादा पॉइंट बनाएगा। अब थोड़ा पहलवानों के बीच में गर्मी आया है, 3 मिनट देखे दोनों पहलवान अपने अपने दांव के चक्कर में लगे। नहीं अभी जो पॉइंट बनाएगा देखते रहिएगा, 3 पॉइंट जो 3 मिनट में, आधा मिनट, आधा मिनट बीत गया, 1 पॉइंट, 1 पॉइंट अंदर को मिला, 3 मिनट हो गए अभी, मात्र 1 मिनट बीता, 2 मिनट बाकी। नहीं हमारे कहना है हमारे कमेटी के भूपेंद्र यादव जी के 3 मिनट में जो ज्यादा पॉइंट बनाएगा उसी को विजय दिया जाएगा, 1 मिनट बीता 2 मिनट बाद। भीम पहलवान कुछ करो, भीम पहलवान अरे लड़ना है तो लड़ जाओ, अगर मैदान छोड़कर भागना है तो कहीं करंट लगा के मर जाओ। खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ दोनों पर, 1 मिनट बीता अभी 2 मिनट बाकी, 1 पॉइंट इस पहलवान भीम पहलवान को भी हो गए। अभी नहीं, अभी जब पीछे जाके कंट्रोल करेगा तब तो मारा जाएगा, अभी नहीं। ये 2 पॉइंट उधर, 1 पॉइंट इधर, 2 पॉइंट। अरे भीम को और कितना प्लेयर दिया तुमने, 2 पॉइंट जितेंद्र के हो गए। तीन पॉइंट जितेंद्र पहलवान को, और देखिए अभी डेंजर करके पकड़ लिया रेफरी साहब ने कहा 3 पॉइंट जितेंद्र पहलवान को और 1 पॉइंट इस पहलवान को। अब खड़े होकर 2 मिनट बीता, 1 मिनट बाकी, 3 पॉइंट जितेंद्र पहलवान, एक रुक अभी रुक अभी सामने ही है, छोड़ के अभी नहीं, खड़े रेफरी साहब बोल रहे खड़े हो जाओ, अरे धोखा नहीं सावधान हो जाओ, दोनों पहले सावधान हो जाओ, छोड़ के नहीं भीम पहलवान, धोखा नहीं, भीम जीत कर चल भाई बाली से, भीम पहलवान छोड़ दो, छोड़ के भीम पहलवान छोड़ के रेफरी बोल रहा है 3 पॉइंट है छोड़ो, हाँ खड़ा करिए 1 मिनट और बाकी है। खड़े हो जाओ पहलवान, खड़े हो जाओ जितेंद्र पहलवान, भीम पहलवान कह रहा इसको अब छोड़ेंगे नहीं शाम तक। खड़े हो जाओ रेफरी बीच में पॉइंट अभी जितेंद्र पहलवान का ज्यादा है, भीम पहलवान का कम है, तो
भीम पहलवान के एक पॉइंट दिए रेफरी और जितेंद्र पहलवान को 3 पॉइंट दिए हैं हमारे रेफरी साहब। और 30 सेकेंड और है, कुछ करो भीम पहलवान, पकड़ो, हार रहे हो, पकड़ो जल्दी, कुछ करो। पच्चीस सिक्के, कुछ करो जवानों, चार पॉइंट, समय भी मात्र 10 सेकेंड है। पहलवान के हाथ उठाए रेफरी साहब, विजयी जितेंद्र पहलवान विजयी। अब गुना पहलवान एमके प्रोडक्शन के वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, लाल बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दे। एमके प्रोडक्शन के वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, लाल बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दे।